वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले, आप कभी तक से इंतज़ार कर रहे हो कि जीटीयू का जो पेटिशन हुआ है हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, हाई कोर्ट का डिसीजन कब आएगा, और इस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट है गुजरात में स्कूल और कॉलेज यूजी की एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगी और कौन से मोड में स्टार्ट होगी, दो पॉइंट आपके माइंड में चल रहा है। तो हम पहला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि गुजरात में जो जीटीयू के स्टूडेंट ने जो पेटिशन किया था वो हाई कोर्ट में पेटिशन किया था, और हाई कोर्ट का आज हियरिंग चल रहा था दोपहर से 12:30 के आसपास। तो इनमें जो डिसीजन आया है वो स्टूडेंट के फेवर में नहीं आया, जीटीयू के फेवर में आया है। यानी क्लियरली हो गया कि जीटीयू जो भी मोड में एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है वो हाई कोर्ट का ऐसा मानना है कि वो सही तरीका है। यानी क्लियर कहूँ तो आपकी एग्जाम जो ऑफलाइन होने वाली थी, जीटीयू ने जैसे टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया उसके मुताबिक ही आपकी एग्जाम होगी। आपको अभी तक वेट था हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, बिना टाइम वेस्ट कीजिए। और हाई कोर्ट का डिसीजन आखिरी डिसीजन है आपके लिए, और तो भी आपको एग्जाम को ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कंडक्ट कराना है तो आपको ट्विटर पर ट्रेंड चलाना पड़ेगा और बार बार सबको मेल सेंड करना पड़ेगा जीटीयू की एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के लिए। और दूसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात में जितने भी स्कूल और कॉलेज होगी और यूजी और पीजी की जितनी भी प्रोसेस होगी, कॉलेज की एग्जाम की प्रोसेस हो या एजुकेशन की प्रोसेस हो, वो ऑफलाइन मोड से होने वाली है 11 जनवरी से। गुजरात के जो एजुकेशन मिनिस्टर है भूपेंद्र चुड़ासमा, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 11 जनवरी से सभी स्कूल और कॉलेज यूजी और पीजी की कॉलेज स्टार्ट होने वाली है ऑफलाइन मोड से। तो आपको आगे क्या डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर है, आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो स्वयं स्टडी चैनल के माध्यम से। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने अपडेट करके रख दिए, वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और जीटीयू एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले कि जीटीयू की एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी मेल आईडी पर आपको मेल करना पड़ेगा, और उनके बाद में वीडियो अपडेट करने वाला हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है कि जीटीयू ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करेगी तो उनका पेपर स्टाइल क्या होगा, तो पेपर स्टाइल के ऊपर वीडियो आएगा, और दूसरा वीडियो आएगा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोनों वीडियो देखना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना, शेयर करना और सभी को बता देना। जीटीयू की अपडेट हो, एजुकेशन की जितनी भी अपडेट न्यूज आती है सभी की अपडेट आपको स्वयं स्टडी चैनल के माध्यम से मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।